इंडिया गेट, जो कि भारतीय मॉन्यूमेंट में से एक माना जाता है। यहाँ हजारों लोग दिन भर में घूमने आते हैं, लेकिन आप में से यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि आखिर इसे बनवाया किसने, यह बना कब, इसकी नींव किसने रखी। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। इसको आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियन ने तैयार किया था। 12 फरवरी 1931 को यह बनकर तैयार हुआ था। प्रसिद्ध वास्तुकार एके जैन कहते हैं कि इंडिया गेट और फ्रांस के आर्क ऑफ विक्ट्री में काफ़ी समानताएं हैं। आर्क ऑफ विक्ट्री इंडिया गेट से 100 साल पुराना है। ल्यूटियन ने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्ता की रूपरेखा तैयार की, तो इसके पूर्व भाग में इंडिया गेट का खाका खींचा गया। सेंट्रल विस्टा के एक तरफ राइसाना हिल्स तो दूसरी तरफ नहर थी। सेंट्रल विस्टा की चौड़ाई 600 मीटर है। राजपथ इसके ठीक बीच में है। वह इंडिया गेट की संरचना की बात करें तो यह 42 मीटर ऊंचा और 9.1 मीटर चौड़ा है। इसे लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर से लाया गया था। इंडिया गेट का पूरा परिसर करीब 400 एकड़ में फैला हुआ है। जब आप इंडिया गेट गए होंगे तो आपने एक चीज़ तो गौर करी ही होगी कि इंडिया गेट पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो ये नाम इंडिया गेट के ऊपर सैनिकों के नाम हैं। एक जैन बताते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। भारत के करीब 1,00,000 जवान युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 60,000 से अधिक जवानों की मौत हुई थी। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने सैनिकों की याद में एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव दिया। इस तरह इंडिया गेट पर सैनिकों के नाम अंकित किए गए। ल्यूटियन की योजना थी कि यहाँ एक झील बनाकर जिसे यमुना से जोड़ा जाए, लेकिन क्योंकि योजना काफ़ी खर्चीली थी इसलिए इसे पूरा नहीं कर पाया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमें बताना ज़रूर कि आपको इनमें से एक भी फैक्ट पता था पहले से। अगर पता था तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर देना।